दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय दुग्गल करियर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल पांवटा साहिब। उपमंडल पांवटा साहिब के पुरुवाला में पुलिस टीम ने नाके के दौरान एक ट्रक से करोड़ों रुपए की गांजे की खेप के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पांवटा साहिब के DSP वीर बहादुर ने मामले की पुष्टि की है। वहीं पुलिस की इस कार्रवाई से नशा माफियाओं में हड़कंप मच गया है। थाना प्रभारी विजय रघुवंशी की अगुवाई में टीम ने यह बड़ी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि यह खेप उत्तराखंड के रास्ते से हिमाचल लाई जा रही थी। इसकी कीमत 2 करोड़ से अधिक आंकी गई है। पांवटा सब डिवीजन के पुलिस स्टेशन पुरवाला के अंतर्गत पिछली रात्रि SHO पुरवाला की टीम ने रात्रि नाकाबंदी की हुई थी, जिसमें नाकाबंदी के दौरान जब वो वाहन चेकिंग कर रहे थे तो एक ट्रक को उन्होंने रोका और जब उसको चेक किया तो उस ट्रक में 30 कट्टे जो कि रैप्ड थे काफ़ी बुरी तरह से सेलोटेप के साथ, वो बरामद किए। जब इनको शक हुआ और जब इन्होंने चेक किया तो उसमें गांजा जो कि प्रतिबंधित NDPS सब्सटेंस है वो उसमें मिला, और उसके तहत जब उन्होंने पूरे ट्रक को चेक किया तो उसमें 30 कट्टे बरामद हुए और जिसका तोलने पर कुल 300 किलो से ऊपर वजन उसका पाया है, जिसमें तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये लोग स्थानीय पुरुवाला थाना के अंतर्गत ही रहने वाले हैं और इनके खिलाफ मादक द्रव्य पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है और आगामी अन्वेषण अभी जारी है। सर, ये सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई कि इसके बारे में पहले ही पुलिस को कुछ थोड़ी नॉलेज थी या पता था? इसमें जो हमारा सिक्योरिटी सेल है और कुछ अन्य व्यक्ति, उनको पहले से सूचना थी इसके रिगार्डिंग कि कुछ लोग इस प्रकार का काम करते हैं और वो इसमें एक टीम वर्क के तहत जो है ये काम हुआ है, जिसमें सूचना के आधार पर पहले हमने वर्कआउट किया है और उसके पश्चात जो है इस प्रकार की कार्रवाई अमल में लाई गई है। इसमें और कोई गिरफ्तारियां भी सर हो सकती है, कुछ और बड़ा खुलासा हो सकता है? अभी इन्वेस्टिगेशन शुरुआती दौर में है, अभी मैं कुछ भी इसमें कहना मुश्किल है, परंतु जिस प्रकार की ये खेप मिली है तो इससे निस्संदेह हम कोशिश करेंगे कि जो भी इसमें संलिप्त हैं उनको हम बिहाइंड द बार्स करें। दूसरे राज्यों भी शामिल होने की उम्मीद है इसमें, कुछ दूसरे राज्यों की तरफ से भी, कुछ उत्तराखंड यूपी से कुछ? अभी कुछ भी कहना जो है वो जल्दबाजी होगी, जैसे ही हमारी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी उसमें जो भी हमें एविडेंसेस मिलते हैं उसी हिसाब से हम फर्दर कार्रवाई कर पाएंगे। सर, ये जो गांजा है ये कहाँ से लाया जा रहा था तस्करों द्वारा, इसके बारे में कोई जानकारी देंगे सर? अभी अधिक पूछताछ नहीं की गई है, बस शुरुआती दौर में जो हमें पता लगा है कि यह त्रिपुरा जो राज्य है हमारा नॉर्थ ईस्ट में, तो ये वहाँ से लाया जा रहा था। इसमें जो ट्रक था सर वो स्थानीय ट्रक ही है कि वो भी बाहर से? जी, वो ट्रक स्थानीय है। शिक्षा जगत में तेजी से उभरता नाम दुग्गल करियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल पांवटा साहिब अभिभावकों और विद्यार्थियों की पहली पसंद बन चुका है। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित शिक्षाविद RK दुग्गल के कुशल निर्देशन में स्कूल ने निरंतर नए आयाम स्थापित किए। RK दुग्गल जी का सपना था कि बच्चों को राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिक्षित करना चाहिए। स्कूल के प्रिंसिपल नरेश शर्मा बताते हैं कि स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों को JEE, नीट, NDA, NTSC जैसे विभिन्न कॉम्पिटेटिव परीक्षाओं के लिए भी तैयार किया जाता है। हर वर्ष आयोजित होने वाली साइंस इंग्लिश ओलंपियाड में भी भागीदारी सुनिश्चित करवाई जाती है। शिक्षा के साथ साथ खेल कूद में भी विद्यार्थी जौहर दिखा रहे हैं। सूर्यकंठ भारद्वाज ने राष्ट्रीय स्तर में योगा गेम्स में हिमाचल का प्रतिनिधित्व किया। वहीं स्कूल के विद्यार्थी जोन, जिला व राज्य स्तर पर आयोजित विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं में नाम कमा रहे हैं। इसके अलावा स्कूल में चित्रकला, रंगोली, मेहंदी, वाद विवाद, साइंस क्विज प्रतियोगिताएं करवाई जाती हैं। स्कूल प्रशासन विद्यार्थियों के चौमुखी विकास के बेहतर भविष्य के लिए हमेशा प्रयासरत है। आगामी सत्र के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, तो अपने बच्चों के सुनहरी भविष्य के लिए आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। दुग्गल करियर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल पांवटा साहिब।